काफी इजी क्वेश्चन है, म्यूट कर दें अपनी वॉइस को, सभी बच्चे म्यूट कर दें। जी, क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है अ मशीन विच मैन्युफैक्चर्स आइस। मशीन है जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है आइस, नीड्स टू बी रन। एक मशीन है जो मैन्युफैक्चर कर रही है आइस, नीड्स टू बी रन फॉर 10 मिनट्स टू वार्म अप बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ आइस बिगन। कहती है एक मशीन है, कह रहा है, कहता कि आइस की मशीन है, प्रोडक्शन देने से पहले उसे स्टार्ट होने में, एक मशीन होती है ना उसे स्टार्ट होने में टाइम लगता है, तो वो बता रहा है कि इस मशीन को स्टार्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट्स लग रहे हैं बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ आइस बिगिन। 10 मिनट्स उसे स्टार्ट होने में लग रहे हैं, तो इधर लिखेंगे मशीन नीड्स टू बी रन फॉर, मशीन यहां मशीन नीड्स टू बी, म्यूट कर दें बच्चे, वार्म अप कितना टाइम सर, ये लगेगा आप सोल्यूशन करवा रहे हो? जी बच्चे? ये सॉल्यूशन है इसका, 10 मिनट्स। द मैस इन टर्न्स, मैस को उसने शो किया हुआ, टर्न्स में मैस को एम से शो करेंगे। ऑफ आइस प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रोडक्शन। कहता है जो उसने मैस, जितने टन उसने आइस जो है मैन्युफैक्चर की है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के, किसके है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गिवन डैट, कहता है 20 टन ऑफ आइस आर प्रोड्यूस व्हेन द मशीन रन फॉर हाफ एन आवर। कहता है कि अगर हाफ आवर मशीन रन करें तो कितने टन आइस पे मैन्युफैक्चर हो रही है, 20 टन। अब इसमें बात याद रखना कि अब उसने बताया टाइम जो है हाफ आवर, तो वर्किंग आवर इसे लिखेंगे इधर, वर्किंग आवर, वर्किंग आवर्स की जगह वर्किंग टाइम। अब यहां से बात समझनी है, कहता है कि हाफ आवर उसे लगा, हाफ आवर टाइम क्या है, 30 मिनट, 30 मिनट्स। अब ये तो है टोटल टाइम, ठीक है, लेकिन जो मशीन ने वर्किंग की, जितने टाइम में उसने वर्किंग की, वो तो हमारा जो है उसमें 10 मिनट्स तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है 10 मिनट्स उस मशीन को क्या है, वर्किंग करते हुए टाइम लगा, यानी कि वार्म अप होने में कितना 10 मिनट्स लगे, तो ऑटोमेटिकली वर्किंग टाइम जो होगा 30 में से ये 10 मिनट्स हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो वर्किंग आवर होगा, वर्किंग टाइम होगा, वो 20 मिनट्स होंगे। 20 मिनट्स में उसने कितनी में आइस जो है, आइस उसने कितनी बनाई, उसने 20 टन, मैस ऑफ आइस इसे लिख देंगे, मैस ऑफ आइस, वो कितना, 20 टन, 20 मिनट में, 20 मिनट्स में उसने कितनी टन आइस मैन्युफैक्चर की, 20 टन जो है, ठीक हो गया टन। अब वो बात कर रहा है, कहता है, कहता कि फाइंड द मैस ऑफ आइस मैन्युफैक्चर, मैस ऑफ आइस फाइंड आउट करना, मैस ऑफ आइस वो आपने फाइंड आउट करना है, वर्किंग टाइम जो है, वर्किंग टाइम वो कितना है, 1.75 आवर्स, 1.75 आवर्स, 1.75 आवर्स है। इसको मिनट में कन्वर्ट करना, तो मैंने इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे सर, मल्टीप्लाई किया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। जी बच्चे? पर मुझे समझ नहीं आ रही, वर्किंग वर्किंग टाइम तो उन्होंने 30 मिनट दिया था। यही मैं बात बताता हूँ, ये अभी यहां तक देखो, मैं अभी का एक्सप्लेन करता हूँ अगेन, बात समझ नहीं है। अब माइनस इसमें से भी 10 होगा, तो ऑटोमेटिकली 1.75, यहां से मैं अगेन रिपीट करता हूँ, रुको जरा, 1.75 मल्टीप्लाई 60, आंसर आया हमारे पास 105 मिनट, इसमें से 10 हमने सब्ट्रैक्ट किए तो 95 मिनट्स आएंगे। अब बात समझ नहीं है, एक मशीन है,
मशीन जो है स्टार्ट होने में कितना टाइम लग रहा है उसे स्टार्ट होने में, जिस तरह एक फोटोकॉपी मशीन है ना, फोटोकॉपी मशीन अगर बंद हो ना उसे स्टार्ट होने में ना 2 to 3 minutes लगते हैं। इसी तरह आइस बनाने वाली एक मशीन है उसे वो कह रहा है स्टार्ट होने में 10 minutes लगते हैं। अच्छा स्टार्ट होने में जो टाइम लगा उसमें तो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं ना होगी, कोई चीज नहीं बनेगी, वो टाइम में जो है हमेशा टाइम वर्किंग टाइम में से सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसने टोटल टाइम बताया, उसने बताया कि जो वर्किंग टाइम है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में उसने 20 टन्स जो है वो आइस मैन्युफैक्चर की। अब ये 30 मिनट जो है टोटल है, मशीन का बटन प्रेस किया वहां से लेकर जब तक उसने 20 टन्स आइस नहीं ना बना दी तब तक का टाइम है 30 मिनट्स। तो जो मशीन का बटन हम प्रेस करते हैं तो तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो उसने बटन प्रेस करने पर 10 मिनट्स लिए उसने वार्म अप होने में, यानी कि स्टार्ट होने में। तो हमेशा ये 30 में से ये 10 मिनट सब्ट्रैक्ट हुए, 20 मिनट्स जो बाकी बचेंगे ना, इस 20 मिनट्स में उसने 20 टन्स जो है आइस बनाई है। अब बात समझे अहमद? यस सर। इसी तरह अब वो कह रहा है, कहता है कि मास ऑफ आइस बताएं, अब बताना है मास ऑफ आइस। अब वर्किंग टाइम क्या है 1.75 आवर्स, यानी कि 1.75 आवर्स हैं, तो उसे मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट्स आए, इसमें से भी ये 10 मिनट्स मैंने सब्ट्रैक्ट करने। क्यों? क्योंकि इस 10 मिनट्स में तो वो जस्ट स्टार्ट होने का टाइम है उसका, बात समझ गए? तो इसलिए इसमें से भी 10 सब्ट्रैक्ट हुआ, इसमें से भी 10 सब्ट्रैक्ट हुआ। हमने अब मास फाइंड आउट करना है। यहां तक जिसने नोट कर लिया बताया मैंने। अब हमारे पास दो चीजें हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया हमारा, जिसमें हमारे पास क्या था, जो चीज फाइंड करनी है वो राइट साइड पे, दूसरी वैल्यू हमारे पास इस साइड पे। पहले हमारे पास 20 मिनट्स थे, उसमें हमने कितनी मैन्युफैक्चर की, 20 टन्स, ठीक है। अब हमारे पास 95 मिनट्स हैं और हमने मास फाइंड आउट करना। यहां से क्वेश्चन सेम वही है, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें कौन सी प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और यहाँ पे हमने चेकआउट किया 20 मिनट में वो 20 टन जो है आइस मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली अब टाइम हमारे पास ज्यादा है तो आइस भी ज्यादा होगी। फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज कम थी हमारे पास, सेकंड भी कम थी, फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज हुई, सेकंड भी क्या हो जाएगी इंक्रीज। इसमें भी कौन सी प्रोपोर्शन आ गई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसे राइट आउट करेंगे, एक्स ओवर 20 इक्वल टू 95 ओवर 20, ठीक है। अब यहाँ पे ये 20 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो x इक्वल टू 95 मल्टीप्लाई 20 ओवर 20, 20 से कट हो गया तो हमारे पास x इक्वल टू 95, यानी कि 95 टन्स जो है वो आइस मैन्युफैक्चर हो गए। लें जी, वेरी गुड अमान सर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू y³ y³ y³3 एंड x इक्वल टू, अच्छा अपना कैलकुलेटर भी मे भी यहाँ पे यूज करना पड़े, ठीक है, तो कैलकुलेटर अपने पास रखना। व्हेन y इक्वल टू 2, सर पेज नंबर क्या है सेकंड पेज का, 18। सर 1 मिनट रुक के मैं स्टेटमेंट राइट कर दूं। फाइंड एन इक्वेशन connecting x and y, easy question है ये भी, ठीक है, वही rule है, x is directly proportional to y cube, just अब y cube आ गया तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब,
प्रोपोर्शन के साइन को खत्म किया तो इक्वल के वाई क्यूब आ गया इक्वेशन। सर वाई इज इक्वल टू 8, वो अभी राइट आउट करते हैं ना। तो हमने यहाँ पे अब देखें कि यहीं पे मैं करने लगा हूँ, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 32, ये आ गया। के हमने फाइंड आउट करना, वाई की वैल्यू हमारे पास 2 की पावर क्या होगी हमारे पास 3, 2 की पावर क्या होगी हमारे पास 3। अब ये आ गया 32 इक्वल टू के मल्टीप्लाई 2 पावर 3 का मतलब क्या होगा 8, यानी कि 2 को 3 टाइम्स क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, 8 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 32। सर जी सर ये जो आपने k is equal k x is equal k y 3 क्या गया आपने 32 is equal k multiply by 2 bracket k वाला मुझे यहां से दोबारा समझा बच्चे, ये सिंपल है। x की वैल्यू क्या है मेरे पास 32, x की जगह 32 आ गया इक्वल टू k एज इट इज, y की वैल्यू ये लिखी हुई है 2 की पावर 3 है ना, तो 3 पावर आ गए। तो 2 पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 2 2 4 4 2 8, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसी तरह एग्जेन वही वैल्यू आ गई, और के हमारे पास क्या आ गया 8 1 8 8 4 32, तो ये के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी 4, के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4, ठीक है। और लास्ट पे हमने क्या करना, अब इस इक्वेशन में के की वैल्यू पुट कर देनी है आपने, ठीक है। वो इस साइड पे करने लगा हूं आप लोगों को क्लियर हो, ये मैं इस तरह एक बॉक्स सा बना के इसमें x की वैल्यू एज इट इज, के आपने जो थोड़ा सा कैमरा अपना नीचे करें, मैं ये आप साइड पे लिखता हूँ, यहाँ पे ना जगह कम हो जाती है। इक्वेशन ड्रॉ करनी है तो x इक्वल टू क्या है के वाई क्यूब, k की वैल्यू जस्ट पुट कर देनी, k हमारे पास क्या है 4y³, ये इक्वेशन बन गई। सर जो आप सर हाँ जी सर थोड़ा सा कैमरा से नीचे करिएगा, आप नीचे से राइट आउट कर लें फिर मैं आप साइड पे करता हूँ कैमरा। सर हो गया सर राइट, बस वो जो आप बाद में लगा रहे हैं वो कर दिखा दें। हो गया यहाँ से राइट आउट? यस सर, यस सर, यहाँ पे अब ठीक है कि नहीं ठीक, यहाँ पे ऐसे ठीक, अब ठीक है। फोर वैल्यू पुट की के की, तो एज इट इज हमारे पास वही इक्वेशन आ गई एक्स इक्वल टू 4y³, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जस्ट आपने वाई क्यूब आ गया उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करते जाना। सेकंड में अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास 6। इक्वेशन हमारे पास क्या है यही है, या के वाली पुट कर लो, एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास के वाई क्यूब। अब के की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक हो गया, और वाई की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो एक्स इक्वल टू 4 × 6 की पावर क्या हो जाएगी 3। अब 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 6 6 36 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास 216 आ गया। अब ये 4 × 216 को अब 4 से मल्टीप्लाई कर देना, और ये कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई x इक्वल टू 864 ले जी। सर x की वैल्यू क्या है 864 सर हो गया सर जी बच्चे। सर इस क्वेश्चन में तो नहीं उन्होंने कहा कि वाई क्यूब है बच्चे, लेकिन इक्वेशन तो वही रहेगी ना, इक्वेशन यही रहनी है, इक्वेशन वही रहनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन का ही ये सब पार्ट्स चल रहे हैं, 4 पार्ट्स वही रूल, तो इक्वेशन वही रहनी है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने सॉल्व करते जाना। किसी का फोन आ रहा है
ठीक है, जल्दी से इसे कंप्लीट करें, मैं अरेज करूं। फिर कर दिया रेस। अब यहां से अब ये मैं रेस कर रहा हूं, तो सारा कर दें। बच्चे आपने कर लिया, बाकियों ने तो नहीं ना किया अभी। अच्छा जी, थर्ड पार्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 108। अब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया आपको। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई, कैलकुलेट द सर वाई को फिर हम जो आंसर आएगा उसको फिर हम 3 times 3 cube लेंगे उसका। क्यूब नहीं लेंगे बच्चे, मैं बताता हूँ अभी। व्हेन एक्स इक्वल टू 108, ठीक है। अच्छा समझ आ रही है ना सभी को? क्लियर yes. है ना? चले अच्छा जी, अब इक्वेशन वही x इक्वल टू के वाई क्यूब, ठीक है। अब x की वैल्यू 108 वो यहाँ पे पुट कर दिया हमने, k की वैल्यू हमारी 4 मल्टीप्लाई y की पावर 3 क्यूब है। अब 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा y क्यूब। तो y क्यूब इस साइड पे लिख लें, एक ही बात होती है। 108 को 4 पे डिवाइड करो, 108 डिवाइडेड बाय 4 27। अब यहां पे बात आ जाती है क्यूब, जब भी क्यूब को, अब हमें चाहिए सिंगल y, क्यूब है y क्यूब, क्यूब को खत्म करने के लिए हमेशा क्यूब रूट लिया जाता है। कौन क्या लिया जाता है? क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि पावर जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लेना, यानी कि पावर 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, ठीक है। अगर पावर 4 आ जाती तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होना था, 1/4, यानी कि उसके अकॉर्डिंग आप उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। अब तो उसको काटने के लिए, काटने के लिए क्यूब रूट के लिए बटन प्रेस करते हैं, फंक्शन कीज में है, इस तरह लिखा होगा स्क्वायर रूट अंडर रूट, इधर इंडेक्स लिखा होगा 3, यहाँ पे 3 लिखा होगा, प्रेस करना। जी बच्चे सर, 3 क्यूब का मीनिंग हाफ होता है, क्यूब का मतलब स्क्वायर रूट का मीनिंग हाफ होता है, स्क्वायर का मतलब हाफ होता है हमेशा सर। जी बच्चे सर आपने, अच्छा जी, अब y की जगह 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, k इनटू मल्टीप्लाई 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड हमने अगेन x इक्वल टू के वाई के वाई क्यूब, और सॉरी इधर 4 है, ठीक है, तो 4 के अकॉर्डिंग आप पुट कर लो ना, ताकि आप लोगों को इजी रहे, क्योंकि k की वैल्यू 4 है। तो अब x y की वैल्यू क्या पुट करें, 1 पुट कर दें, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3, 1 पावर 3 1 नहीं होता है, 4 से मल्टीप्लाई आगे 4 आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब ये 4 वैल्यूज आ गई हमारे पास। से थर्ड पार्ट कर लिया, ग्राफ बना दो उस साइड पे। यस सर, 2 मिनट जल्दी करें बच्चों, टाइम अप हो रहा है आपका, 7 मिनट्स रह गए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन। जी सर अब बना दे, कर लिया है। वो बच्चे कर रहा है, अलीहा आप कर रहे हो अभी? यस सर, बस एक वर्ड चाहिए। ये थर्ड पार्ट कर रहे हो अभी ना? सर टाइम हो गया, हो गया ना, चलो चल। ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हमने ये ग्राफ आ गया, इस साइड को अब y कहना है और इस साइड को हमने क्या कहना है, x कहना है, ठीक हो गया। और ये ओरिजिन हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 जितने भी बने, 1 सेम वही रूल है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 ये आ गया, और x की वैल्यू भी 0, यानी कि यहीं पे पॉइंट आ गया हमारा। सेकंड हमारे पास y की वैल्यू 1, x की वैल्यू अब साइड पे 4, 1 2 3 4, यहां पे पॉइंट आ गया,
ये दोनों पॉइंट्स आ गए, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना, ठीक है? ग्राफ ड्रॉ चलें, इनफ है। अच्छा यार आप लोगों ने अपना क्या करना है, आप लोगों को आज होमवर्क देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर टू आप लोगों ने खुद करना अब। ओके क्वेश्चन नंबर टू सेम है। ओके सर होमवर्क ले।